नमस्कार, रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूं। ऑडियो आर्टिकल की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस रवि सर की पाठशाला नाम के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त होते रहें और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें, क्योंकि मैं प्रत्येक महीने कोशिश करता हूं कि इस करंट अफेयर्स को अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स की। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से लेकर 6.5% तक रखा गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कृषि क्षेत्र में विकास की दर 2.8 होने का अंदाज़ा लगाया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में संविधान शब्द को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 है संविधान। मेडागास्कर में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नेवी ने ऑपरेशन वनीला का आरंभ किया। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में असम की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। शेख खालिद बिन खलीफा बिन आब्दीन अजीज अल धानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान किया। वैश्विक आलू सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वे हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में गंगा बोलगा वार्ता का आयोजन किया गया। अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ओडिशा ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। पाकिस्तान ने टिड्डियों, एक प्रकार का कीड़ा, इसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। एक बार फिर से सुन लें, पाकिस्तान ने टिड्डियों के वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। मालदीव को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल कर लिया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। संप्रीति 9 के नाम से इंडिया और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 3 फरवरी 2020 से आरंभ हुआ। कोरोना वायरस को लेकर केरल सरकार द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस से भारत में अब तक 34 लोग प्रभावित हो चुके हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया, जबकि महिला एकल का खिताब अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया करीन ने जीता। गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट के रूप में एक ट्रस्ट बनाया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी राम मंदिर निर्माण हेतु बनाए गए ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। द बैंकर नामक संस्था ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक रीजन का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 नाम से एक अवार्ड है, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। बाल श्रम एवं मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा नामक अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। हाल ही में वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान 2018 से नवाजा गया है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया गया। बधावन महाराष्ट्र में देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में भारत के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष दीपा मल्लिक को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर जो इंडेक्स जारी होता है उसमें भारत का स्थान 40वां है। डॉक्टर SN धर्मशक्तु अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। डॉक्टर NS धर्मशक्तु जो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उससे सम्मिलित हैं।
डीआरडीओ ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल प्रणांस का निर्माण कर लिया है और इसे जल्द ही आर्मी और एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन मुंबई में हुआ। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जॉकिन फिनिक्स जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेवलर बनी है। और बता दें कि ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट्स को दिया गया है और यह पहला ऐसा मौका है जब किसी नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर का पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद्र को 2019 का कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.15 पर ही रखा है और बाकी भी सभी जो बैंक दर हैं या रिवर्स रेपो रेट हैं वो भी अपने पूर्व प्रतिशत दरों पर हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वारियर नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ हुआ। केरल राज्य ने CFL और फिलामेंट वाले बल्ब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम COVID-19 रखा गया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है जिसमें बैठने वाले लोगों की क्षमता लगभग 1,10,000 बताई जा रही है और इसका आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है। आमतौर पर इसे बोलचाल की भाषा में मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन और MD बनाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मेजबानी भारत करेगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और यहाँ की कोरकू जनजाति प्रसिद्ध है। जेबलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर घटाकर 5.4% कर दिया है। परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल RAD-2 का परीक्षण पाकिस्तान ने हाल ही में किया है। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया। लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। बिमल जुल्का को हाल ही में देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। राम मंदिर के नए अध्यक्ष के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। भारत में 1 अप्रैल 2020 से Euro 6 मानक के डीजल और पेट्रोल का उपयोग प्रारंभ हो जाएगा। Euro 6 जो भारत में भारत स्टेज 6 के नाम से जाना जाएगा। नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं रॉस टेलर। ज्ञातव्य हो कि रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसके शुभंकर की चर्चा कर लेते हैं। मिराई तोबा और सोमाइटी नाम के दो कार्टून कैरेक्टर हैं जिसे शुभंकर के रूप में बनाया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हाल ही में मोहिउद्दीन यासीन ने मलेशिया के PM पद की शपथ ली है। रामनिवास गोयल को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। NHPC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाई जाती है। संजय कोठारी को देश का अगला सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया संजय कोठारी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारत के हैं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ ओडिशा में हुआ जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय विजेता रही। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया है। भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष नामक युद्धाभ्यास का प्रारंभ हुआ। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। ज्ञातव्य हो कि इसी तिथि को सीवी रमन ने अपने रमन इफेक्ट के बारे में खोज किया था। रियलमी नाम के स्मार्टफोन कंपनी ने विश्व में पहली बार इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम NavIC के नेविक नाम के एक नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो द्वारा डेवलप किया गया उसका इस्तेमाल करने की घोषणा की है। यानी रियलमी स्मार्टफोन भारत में ही नहीं विश्व में पहला ऐसा स्मार्टफोन कंपनी होगा जो इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जबकि अब तक गूगल के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल सभी स्मार्टफोन कंपनियाँ कर रही है। अजय भूषण पांडे भारत के नए वित्त सचिव होंगे। करंट अफेयर्स पर आधारित आज का ऑडियो आर्टिकल समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें और जो भी इस पर सुधार चाहते हैं, जो सुझाव है आपका, जो बहुमूल्य सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।